नमस्कार दोस्तों, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों के लिए BCA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लेकर आया हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये 2019 का पेपर है और आपको यहाँ पर एक एक जो क्वेश्चन है वो मैं क्लियर करते हुए चलूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो पर आप सभी छात्रों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। उसी के बाद में ये मैं नेक्स्ट जो पेपर है वो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट एक तरह से कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हमें और भी पेपर चाहिए फर्स्ट ईयर के। तो फिलहाल जो ये पेपर है ये प्रोग्रामिंग इन सी यानी कि सी लैंग्वेज का पेपर है, और फिलहाल यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूंगा। जैसे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 17 दिए गए हैं, साथ में 3 घंटे का ये पेपर था और ये 2019 का पेपर है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथ में पूरे पेपर को यहाँ पर मैं एक एक जो क्वेश्चन है उसको क्लियर करते हुए चलूंगा। तो वीडियो पर एंड तक वॉच करना, जिससे कि आपको सभी जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही में देखिए, इनमें से जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो एग्जाम है उनमें बार बार रिपीट होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का है, जो हमेशा पूछा जाता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन आपके 1 नंबर का आएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आने वाला है। इसी के बाद में ये सेमेस्टर के पेपर है, साथ ही में मैं आपको एनुअल पेपर भी अवेलेबल करा दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो आपके लिए जरूर अवेलेबल करा दूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सुडो कोड, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज एल्गोरिथम। देखिए ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार नोट कर लेना या यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, गिव एन एग्जाम्पल। डी यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट आर द डिफरेंट मेथड्स टू डिक्लेयर ए कॉन्स्टेंट इन सी। ई ऑप्शन है वॉट इज टाइप कास्टिंग, गिव एन एग्जाम्पल। एफ ऑप्शन है वॉट इज डिफरेंस बिटवीन ए डू वाइल लूप एंड वाइल लूप। इसी के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज डेटा टाइप ऑफ ए पॉइंटर वेरिएबल। एच ऑप्शन है वोट इज नल पॉइंटर, गिव एग्जाम्पल। इसी के बाद में आई ऑप्शन है वोट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट आर स्टेटिक वेरिएबल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल आपको एक तरह से याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट इज बाइनरी डेटा फाइल। इसके बाद में बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन यानी कि पर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 50 वर्ड्स में आपको एक तरह से आंसर देने की लिमिट रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल, एक्सप्लेन डिफरेंट डेटा टाइप वेरिएबल, डेटा टाइप अवेलेबल इन सी। सेकेंड क्वेश्चन है वो राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। सी ऑप्शन है वोट ए स्ट्रिंग कैन बी पास्ड टू ए फंक्शन एज पैरामीटर, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। डी ऑप्शन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसोल आईओ फंक्शंस अवेलेबल इन सी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। इनके आंसर आपको नोटबुक में मिल जाएंगे, साथ ही में आप गूगल से भी इनके जो आंसर है वो देख सकते हो। इसी के बाद में बात करें यूनिट सेकंड की, तो आपको यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा यूनिट सेकंड के साथ में ही, जैसे पार्ट सेकंड में आपकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर 3 से 4 यूनिट आती है और हर यूनिट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों क्वेश्चन आपको अथवा में देखने को मिलेगा। बाकी पर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहता है। तो तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स अवेलेबल इन सी विद सूटेबल एग्जाम्पल। इसी के अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट आर प्री प्रोसेसर, डिस्कस सम इम्पोर्टेंट प्री प्रोसेसर प्रोसेसर विद देयर रोल इन ए सी प्रोग्राम। इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हो। सेकेंड यूनिट का फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्ट्रिंग फंक्शन विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। ए है गेट सी एच, गेट सी एच ए आर, गेट सी एच ई, स्कैनअप। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में क्लियर करना है, विद एग्जाम्पल आपको क्लियर करना है, यानी प्रोग्राम बनाकर भी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में इसी के अथवा में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एवरी रो एंड एवरी कॉलम ऑफ ए मैक्सन मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर्स। ये आपको एक्सप्लेन करना है।
इसके बाद में यूनिट थर्ड का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्सन। राइट ए रिकर्सिव प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। इसी के अथवा में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि राइट ए प्रोग्राम इन सी टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स यूजिंग पॉइंटर। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, पर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहता है वो मैं यहाँ पर क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। यूनिट फोर्थ का 6 नंबर का क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू रिवर्स द कंटेंट्स ऑफ ए रैंडम फाइल एंड प्रिंट इट। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रक्चर्स टू काउंट द टोटल नंबर्स ऑफ डेज एल्फेज्ड बिटवीन टू गिवन डेट्स। तो ये क्वेश्चन थे जो कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए है। बाकी जो नेक्स्ट पेपर है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। जो नेक्स्ट पेपर आपका रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फिजिक्स का, साथ में मैथमेटिक्स का, सभी पेपर्स के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अगर आप मुझे बोलोगे कि सर 2022 का आप पेपर अवेलेबल कराओ तो मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करा दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलोगे तो ज़रूर आपको अवेलेबल करा दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।